ने रोका। जयपुर के बिलोंग करता हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट में फॉरेन डिपार्टमेंट सर्विस करता था। मेरी सर्विस आउट ऑफ स्टेशन बढ़ रही है, जयपुर से बाहर ही रही है। ये दर्द मेरे 15 साल पहले से चालू है, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। आपके रिटायरमेंट के बाद ये ज़्यादा बढ़ा। फिर एक बार बीच में मैंने इसका एलोपैथिक इलाज लेना शुरू किया, फिर इसमें ऑपरेशन बताया आपने। उसके बाद फिर मैंने इंजेक्शन लगा के मैं थोड़े दो एक दो टूर कर आया। फिर दर्द कम नहीं हुआ, कम हुआ, फिर 4 दिन बाद फिर वापस चालू हुआ। तो फिर मैंने सोचा तो कराना ही पड़ेगा। आने के बाद सोचा, फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो कराते हैं इसका ऑपरेशन। फिर मैं सेल्बी हॉस्पिटल गया मेरे भांजे को लेके, क्योंकि उन्होंने 8 महीने पहले ऑपरेशन कराया था पाँव का एक्सीडेंट केस में। तो साथ ले गया और वहाँ जाके मैंने देखा तो 2 नेमप्लेट लग रही थी, जिसमें मैंने अपने आप ही चूज करा और मैंने उनको कंसल्ट किया। कंसल्ट करके मैंने उन्होंने एक्सरे लिखा, एक्सरे लिखाने वाली रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने मेरे गेट को घुसते ही देख लिया, एक्सरे बिना देखे ही बता दिया कि ऑपरेशन होगा। तो मैंने पहले भी मुझे मालूम था कि ऑपरेशन ही बताएंगे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपका ऑपरेशन होगा और दोनों पाँव का कराने से ज़्यादा बेटर होगा, एक साथ करा लीजिएगा। मैंने उनको सहमति दे दी और मैं अपने आप सेल्फ उन पर बिलीव कर गया और मैंने अपना ऑपरेशन करा लिए। डॉक्टर दीपक सैनी साहब ने ऑपरेशन करने के बाद जो मेरे बेड तक आके पूछा, 3 बार पूछा, दिन में 4 बार राउंड लगाए और प्रोग्रेसली, उन जैसे डॉक्टर मैंने अब तक लाइफ नहीं देखे कि जो पेशेंट को इतनी गहनता से ले और उसके दर्द को समझे। और वहाँ के स्टाफ, मेल नर्स, फीमेल नर्स, सबका अच्छा कोऑपरेट रहा, टाइम से टाइम मेडिसिन दी, टाइम से टाइम सहयोग किया और एडमिशन बहुत बढ़िया है। इसमें मुझे कहते हुए गर्व होता है और डॉक्टर दीपक सैनी साहब ने जितने ऑपरेट किए वो सारे सक्सेसफुल चल रहे हैं, जो मैं सुनता आ रहा हूँ और उसके बाद देखता भी आ रहा हूँ। और मैंने खुद ने कराया तो मेरा एक्सपीरियंस खुद का हो गया। आज मैं 15 दिन से आने के बाद चल रहा हूँ और उनकी प्रोग्रेस बेस्ट लग रही है। और वहीं से मैंने फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था कर ली है। निशांत महाजन साहब आए और उन्होंने मुझे ये फिजियोथेरेपिस्ट दी, जिसका रिजल्ट ये 15 दिन में आ रहा है और कंटिन्यूस आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। आम जनता से कहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी, अपने घुटनों से परेशान है, सीढ़ी चढ़ने से परेशान है, तो उसमें देर नहीं करें और दीपक सैनी साहब से अपनी सर्जरी करवा लें तो ज़्यादा बढ़िया है।